हेलो दोस्तों, तो ये मेरे पास आज एक बहुत ही अच्छा इंजन है। यहाँ पे MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो इंजन है एक्चुअल में, और इस एक्चुअल इंजन का हमने कट सेक्शन दिखाना है आपको। तो इसमें आप पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक एक पॉइंट। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक मोटर लगा दिया है, मोटर को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, क्योंकि इंजन को चलाने के लिए तो हमें फ्यूल चाहिए, ऑब्वियसली फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल चाहिए, उसको हमने कटआउट करने के लिए, फ्यूल यहाँ पे तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे एक मोटर लगा ली। मोटर इसको रोटेट करेगी, और रोटेट किसको कर रही है, ये करेगी हमारे पास एक्चुअल में क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट होगी, देखिए इंजन में हमारे पास होता तो यही है ना, पिस्टन चलता है तब क्रैंक शाफ्ट, ये इसमें उल्टा हमने किया हुआ है, लेकिन वर्किंग मॉडल दिखाने के लिए ताकि आप देख सको इसके अंदर क्या क्या है। ओके, तो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये होता है फ्लाई व्हील, जो हम बात करते हैं ना फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या है, ये होता है फ्लाई व्हील। जब आप स्टार्ट करते हो ना गाड़ी को, जब आप स्टार्टिंग में, पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो आप स्टार्ट करते हो गाड़ी को, तो उस टाइम हमें क्या होता है, एक स्टार्टर चाहिए। स्टार्टर चाहिए मतलब इसको कौन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्टार्टर, ये है स्टार्टर, और इसके साथ यहाँ पे एक गियर जुड़ा होता है, ये देखेंगे यहाँ पे एक गियर होता है। ओके, जब आप इग्निशन पहली बार देते हो ना, कि आप बैटरी को जो आप की ऑन करते हो, आप चाबी घुमाते हो, तो एक्चुअली जो बैटरी है वो इसको रोटेट करती है। जब ये रोटेट होता है तो ये फ्लाई व्हील को रोटेट करता है, फ्लाई व्हील रोटेट होता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट, तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है तो हमारे पास क्या होता है, पिस्टन मूव करते हैं, पिस्टन मूव करते हैं तो हमारे पास जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, ये सारे स्ट्रोक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसने भाई ने स्टार्ट कर देना, कट सेक्शन हमने रखा है। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी है तो उस इस कॉइल ने हमारे पास, इस हमारे पास गियर ने बाहर आना है, और हमारे फ्लाई व्हील के साथ ना गियर होता है उसके साथ अटैच होके हमारी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। ये देखना एक बार, ये देखो आया बाहर, उसने उसने कनेक्ट करके और उसने स्टार्ट कर दिया। देखो, देखिए, तो जब हम सुनते हैं ना गाड़ी की आवाज़ की, गाड़ी इस तरह से आवाज़ कर रही है, ये देखिए। ओके, फ्लाई व्हील, मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फ्लाई व्हील नहीं देखा होता, तो प्लीज़ फ्लाई व्हील की तरफ ये चीज़ फोकस है। तो ये है फ्लाई व्हील, इसका मेन काम होता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इसके मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए स्पार्क प्लग जो है वो यहाँ पे लगता है, ये हमारे स्पार्क प्लग होते हैं, चार स्पार्क प्लग इसके यूज़ किए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 चार स्पार्क प्लग यहाँ पे हैं। आपने जैसे थ्रोटल देना होता है ना कार की, हम रेस देते हैं, तो रेस देते हुए जब हम मूव करते हैं ना, तो ये होता है देखिए थ्रोटल वाल्व, ये होता है थ्रोटल वाल्व। तो एयर जो है रोटेट, यहाँ से एयर कंट्रोल करते हैं हम, एयर जो है इसके थ्रू अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, और ये देखिए वन, ये अंदर देखेंगे 1, 2, 3, 4 तो चार अलग अलग इंजन के अंदर, मतलब अलग अलग हमारे पास सिलेंडर के अंदर जाएगी एयर, यहाँ से जाएगी। और यहाँ पे देखिए तो ये होते हैं हमारे पास इंजेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4 चार इंजेक्टर हैं, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर हैं, जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके, फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं, ये फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, एयर यहाँ से आएगी, एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होने के बाद आगे हमारे पास सिलेंडर में जाते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट है, ये कैम्स जो हम कहते हैं ना कैम कैम कैम, ये होता है कैम, तो कैम है यहाँ पे, और ये कैम रोटेट करते हैं। जैसे ही हम देखिए इसको चला के दिखाऊंगा मैं, आप इतनी टेंशन नहीं लेनी, हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पिस्टन दिखाए गए हैं, ये देखिए पिस्टन है, ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड, और ये है क्रैंक शाफ्ट, ये बड़ी सी जो है वो क्रैंक शाफ्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो पिस्टन मूव कर रहे हैं, ये देखिए पिस्टन मूव कर रहे हैं, पिस्टन की मूवमेंट आपको प्रॉपर दिख रही होगी, ये पिस्टन की मूवमेंट है। ओके, क्रैंकशाफ्ट नीचे देखिए, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है। ओके, यहाँ पे पिस्टन भी मूव कर रहा है। ये हमारे पास ऊपर देखेंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से देखेंगे तो क्रैंकशाफ्ट जो है इसको रोटेट कर रही है, क्रैंकशाफ्ट के साथ इसकी रोटेशन, इसके साथ हमने टाइमिंग बेल्ट जोड़ी हुई है, टाइमिंग बेल्ट जो है आगे गियर को घुमा रही है, और ये गियर जो है आगे एक शाफ्ट को घुमा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट ये हमारे पास जो वॉल्व को ऑपरेट करती है कि वॉल्व कब खुलेगा कब बंद होगा, ये देखो ये इसको धक्का मारा, अभी देखो
ये मूव नहीं हो रहा, अभी ये मूव होगा, ये देखिए। तो इससे आपको कैम की वर्किंग भी समझ आएगी। ये देखो कैम को अब धक्का लगा, तो ये देखो हम पीरियड बोलते हैं ना कि हमारे पास ड्वेल है, राइज राइज फॉल, ये ड्वेल, ड्वेल में हिलता नहीं है, ये देखो ड्वेल, ये राइज और ये फॉल। तो इसी तरह ये सारे जो हमारे पास वॉल्व्स हैं इस तरह से इसके साथ हेल्प से ऑपरेट होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किसको स्पार्क देना है और किसको नहीं देना है। तो इसकी स्पार्क जो है ये यहाँ पे आ रही है, ये मतलब इसने कंट्रोल करना है, 1 2 3 4 इसको कंट्रोल करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है कि मुझे फायरिंग ऑर्डर बताना है कि चार सिलेंडर है हमारे पास, उसके लिए फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है। और यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, ये है हमारे पास एग्जॉस्ट के लिए, जो देखिए धुआं निकलना ना, अब जैसे फ्यूल यूज होता है धुआं तो निकालना है, धुआं निकालना है, तो यहाँ से इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर, सारे इकट्ठा होकर यहाँ पे आते हैं और ये हमारा साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता धुआं, जो हमने मतलब एनवायरमेंट को ख़राब करने के लिए हमने जिम्मेवारी ले रखी है, वो वाली जिम्मेवारी ये निभाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास फ्यूल फिल्टर है, ये होता है फ्यूल फिल्टर जिसको आपने चेंज करवाना होता है। ओके, ये आप इजीली आपको दिख जाएगा, और इंजन में भी ये आपको ज़रूरी है बार बार इसको चेंज कराना, क्योंकि ऑयल के अंदर जो गंदगी है वो इसके अंदर फंस जाती है और ये ख़राब हो जाता है। इसको आप प्लीज़ चेंज करवा लें जब भी सर्विस करवाएं। तो MPFI इंजन ये है, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गए होंगे। एक एक चीज़ समझाने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ऐप का, ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप JEE के लिए, प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।